केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर केलांचल टाइम्स की टीम लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक सारी खबरें पहुंचा चुके। और आज हमारी टीम पहुंची हुई थी अगरपुर पंचायत, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी देवराज यादव जी से हमारे सहयोगी विभूति सिंह जी की बातचीत हुई। साथ ही साथ वहां मौजूद जनता से भी हमने जानने की कोशिश की कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का उनका मूड है, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है वोट देने के लिए और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए। क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से। अभी हम पहुंचे हैं अगरपुर पंचायत। अगरपुर पंचायत का एक मोहल्ला है बागमारा, वार्ड नंबर एक में हम पहुंचे हैं। अभी बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव चल रही है हमारे बिहार में, पंचायत चुनाव खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक ही मोहल्ले से, एक ही पद के लिए, एक ही रिलेशन से, कई संबंधी, एक ही कम्युनिटी से कई प्रत्याशी एक ही पद के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे कि मतदाताओं को वोट डालने में, मत डालने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में हम भागलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं अगरपुर पंचायत में, और ये बागमारा मोहल्ला है और हमारे एक मुखिया के उम्मीदवार हैं देवराज सर। सर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड शिक्षक भी हैं, एजुकेशन लाइन से भी बिलोंग करते हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। अगले बार भी पंचायत के चुनाव में इन्होंने अपनी भाग को आजमाया और कुछ ही वोटों से पीछे रहे। इस बार भी चुनाव की रणनीति इनकी तैयार है, नामिनेशन करा के लौटे हैं। देवराज बाबू से मिलते हैं। सर आपका शुभ नाम? देवराज यादव। देवराज यादव जी, आप अपना पहले परिचय दें, आप क्या हैं? हम देवराज यादव पेशे से एक टीचर, एक शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट टीचर। क्वालिफिकेशन आपका? एमएससी मैथमेटिक्स। आप इतने हायर क्वालिटी है आपके अंदर, एजुकेशन लाइन से बिलोंग करते हैं, आपको तो ऐसे भी स्टूडेंट को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता होगा, तो पंचायत की राजनीति में आने के लिए आपको कैसे सूझ आ गया कि हमें राजनीति करनी चाहिए, कैसे विचार आया? स्टूडेंट को पढ़ना भी एक समाज सेवा है, और जितने भी महान विभूति हुए हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, वे वेल क्वालिफाइड होकर ही देश का सही ढंग से सेवा कर सके और देश को दबे कुचले गर्त से निकाल करके आज़ादी दिला सके। मेरा भी यही सोच है, जब हम ही कुछ नहीं होंगे, मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो देश की समस्या, क्षेत्र की समस्या, गांव की समस्या, लोगों की समस्या को हम समझ ही नहीं सकेंगे और उसका सही ढंग से, प्रॉपर वे से उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षित होकर के सिर्फ सरकारी सेवा करना ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षित होकर के हमें समाज में जो कुरीति, अंधविश्वास और विकास का कार्य रुका हुआ है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसीलिए बना पाए कि मना एजुकेशन लाइन्स में रहते हुए भी आपने सोचा कि हमें पंचायत की राजनीति करनी चाहिए और इनकी सेवा। इसका मतलब है कि आपके जो अगरपुर पंचायत है, ये पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ कि सभी जगह बाढ़ का पानी आया, बाढ़ के पानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ ये बागमारा, लेकिन सभी जगह सरकारी सहायता कुछ न कुछ मिला, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। पब्लिक से पूछा जाए क्या मिला सहायता, काफ़ी वंचित, हर एक अधिकार से वंचित रहे। नाला भी जाम है, जहाँ से है वहाँ पर है, फिर जाके पानी मिला है, पानी के लिए थोड़ा सा, लेकिन चंद थोड़ा सा ही, खाली नाम मात्र का सिर्फ बोरिंग हुआ है, लेकिन पानी का जो प्रॉपर वितरण होना चाहिए, नल जल योजना का कहीं नामो निशान नहीं है। यानी सात निश्चय योजना जो गली नली नली ये भी नहीं हुआ है? नहीं, सात निश्चय योजना और नल जल योजना भी धराशाही है। देखा जाए कितने घर को मिला, घर कितने, इंदिरा आवास की क्या स्थिति है आपके? इंदिरा आवास की स्थिति का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि अदर जगह जो दो मंजिला है उसको भी इंदिरा आवास मिला है, लेकिन हमारे यहाँ गरीब लोग किसी तरह से झोपड़ी बनाकर घर बना रहे हैं, उसको
इंदिरा आवास होना निहायत जरूरी है, लेकिन वह अभी भी इंदिरा आवास के सुविधाओं से वंचित, वृद्धा पेंशन से भी वंचित होगा, टोटल वही हाल है। तो ये जो आपका पंचायत जो इतना पिछड़ा हुआ है, तो इसमें आप जो यानी कि ये समस्याओं को सुलझाने के लिए आप मुखिया के दावेदारी कर रहे हैं? यस यस, कि हम ये समस्या, अगले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, अगले बार भी चुनाव लड़ा, मेरा था कि हम समाज की समस्या, समाज में जो हम देख रहे हैं, समाज का अधिकार मिला हुआ है लेकिन हम उस अधिकार को पाने से वंचित हो जाते। आपने नॉमिनेशन करवाया सर? यस हाँ, 25 तारीख को आपने नॉमिनेशन कराया। क्षेत्र में आप जो नॉमिनेशन के लिए गए थे, तो आपके साथ जनता जनार्दन भी होगी, बहुत ज्यादा जनता का समर्थन भी होगा आपको। आपको क्या लगता है कि अगले बार आपने कुछ वोटों से पीछे थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हम एकदम श्योर हैं कि मेरी धमाकेदार जीत, धमाकेदार जीत होगी। और अगर आपकी धमाकेदार जीत होती है, अगर आप जीतते हैं, आपका भावी जनता जनार्दन अगर आपको मुखिया बनाती है, तो सबसे पहले आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा काम का लिस्ट है कि हमारा पंचायत एक कृषि प्रधान है, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा अभी भी 90% लोगों का जीविका किस खेती से ही हो रहा है। किसान के लिए पैक्स का कोई समुचित व्यवस्था नहीं, पैक्स भी मनमानी करता, उस पर कंट्रोल करना, किसान को समुचित लाभ दिलाने के लिए भरसक प्रयास करना और काम करना उस पर। दूसरा, हमारे यहाँ पर स्कूल कुछ दिन चल कर भी कहाँ चला गया पता नहीं चलता है, यानी स्कूल चल करके कहाँ चला। शिक्षा के स्तर को सुधार करना है, स्वास्थ्य स्कूल, किस स्कूल की बात कर रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय बगमरा, वो विद्यालय नामों निशान नहीं है, बागमरा में नामों निशान नहीं है, दूसरे पंचायत में चला गया, उस जो मेरा अधिकार दूसरे जगह गया, उस अधिकार को पुनः वापस लाना। क्यों गया? ये जो आपको लग रहा है कि दूसरे पंचायत में गया ये प्राथमिक विद्यालय, इसके पीछे दोष किसका है? हमारे जनप्रतिनिधि का, अनइंटरेस्टेड रहे वो, उसे इससे कोई मतलब नहीं, यानी पंचायत की जो राजगद्दी पर बैठा बस तारी दारू से मस्त रहे, समाज का क्या विकास होगा, क्या विकास होना चाहिए, उससे कोई वास्ता रिश्ता नहीं है। हमारे पास सिर्फ उसी स्कीम को टच किया इसमें हमारे पॉकेट में पैसा हो, जो समाज का विकास हो, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य अभाव के कारण जस्ट अभी हाल ही में मेरा भतीजा जो थे बबलू पहलवान, वह उनकी मृत्यु हुई कोरोना काल में, तो हमारे समाज में बहुत ऐसे बबलू पहलवान हैं, बहुत, उसकी रक्षा के लिए हमारा सबसे पहला लड़ाई होगा कि अपने क्षेत्र में एक अच्छा ऐसा स्वास्थ्य सुविधा हो, स्वास्थ्य सेंटर हो। इन शॉर्ट अगर बोला जाए, आप पेशे से शिक्षक हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके दिल में है ये इंटरेस्ट है कि अगर हमारी जीत होती है, आपको भावी जनता अगर आपको समर्थन करके मुखिया बनती है, तो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, आपका प्राथमिक विद्यालय जो बागमारा में होना था उसको पुनः आपको इस धरती पर लाना है। जैसे आदमी के स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ जानवर के लिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ 2, 4, 5, 10 जानवर नहीं है, लेकिन पशु के लिए एक भी हॉस्पिटल यहाँ उपलब्ध नहीं है, पशु शेड वगैरह है क्या? कुछ भी नहीं है। तो मेरा यह लड़ाई होगा, चाहे लड़ करके जैसे भी हो, एक पशु चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर बैठे वहाँ, और वहाँ पर अच्छे अच्छे नस्ल का सीमेंट रहे, जिससे कि फिर इसके नस्ल में सुधार हो, और एक अच्छा पशु पाल के भी यहाँ के लोगों को एक अच्छा खासा बेनिफिट। चलिए देवराज बाबू, आपके बारे में हमें पहले से भी पता है कि आप शिक्षक हैं, और आप एजुकेशन आपके अंदर है तो आप विकास करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप क्षेत्र का विकास करेंगे, ये आपका कहना है। आपके साथ कुछ अभी जनता जनार्दन भी बागमारा की धरती पर हैं, अभी उनसे हम बात करते हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बागमारा की धरती पर हैं, इसका यूँ कहें तो इसका नाम बागमारा है, बागमारा, और ये बागमारा शब्द का अगर पर्याय जोड़ा जाए तो बाघ एक प्रतिनिधि का पर्याय होता है, कि इस धरती पर, बागमारा की धरती पर किसी भी सरकारी सुविधा, नल जल योजना, सात निश्चय योजना, पैक्स की मनमानी, राशन वितरण की मनमानी, सड़क सुविधा या प्राथमिक विद्यालय का यहाँ इस धरती से कहीं और चले जाना, इस तरह की उलट पुलट काम ये बागमारा की धरती पर हुआ है। यहाँ कुछ जनता जनार्दन बैठे हैं, और हमारे प्रतिनिधि हैं मुखिया प्रतिनिधि देवराज यादव जी, इनके जनता जनार्दन से हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र जी, कहाँ घर हुआ आपका? अभी देवराज बाबू से हमारी बातें हुई, आप सुन रहे थे कि यहाँ बागमारा में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है पंचायत स्तर से, क्या ये सत्य बात है?
तो आपको क्या लगता है देवराज बाबू अगर मुखिया बन जाते हैं तो विकास करेंगे बागमारा? आपको विश्वास है? क्या आप कहना चाहते हैं आप भावी जनता जनार्दन है? ये जो पंचायत की जो राजनीति है, कई उम्मीदवार हैं आपके पंचायत में, 12 उम्मीदवार हैं, 11-12 उम्मीदवार, इस बीच में एक देवराज यादव जी हैं, तो इनका क्या स्थान है आपके समाज में? अगला बार जो इलेक्शन लड़ रहा था उसमें जितना भी हिंदू बेल्ट में था सबसे एक नंबर पे था, सबसे एक नंबर पे। इस बार उम्मीद करते हैं कि पूरा जनता लोग से इसको एक नंबर पर ला दें, पूरा उम्मीद है कि एक नंबर पर, यानी इसकी जीत आपको लग रही है कि तय? हाँ, हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। बाबा की नाम बोले अपना? जगदीश साहब। जगदीश साहब कहाँ घर वाले? बागमारा। तो आप तो वयोवृद्ध आदमी हैं, एज ए गार्जियन है, अभिभावक हैं, चचा ये बात बताइए, अगर पूर्व पंचायत में जो पंचायत स्तर से जो काम होनी है वो काम आपके बागमारा में हुआ है? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? मिलता। कितना उम्र हुआ आपका? वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? घर मिला है? इंदिरावास घर नहीं मिला है? इंदिरावास आपको मिला है बाबा? इंदिरावास कहाँ घर हुआ? नाम की बोले? कैलाश यादव। उम्र कितना? 65 साल। वृद्धा पेंशन मिले छो? मिल रहा है? इंदिरावास मिला है? घर नहीं मिला है? क्या कहना चाहते हैं आप, यानी पंचायत से आप खुश हैं? तो जो अभी आपको पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में मुखिया में परिवर्तन चाहते हैं कि जो पहले से मुखिया था वही ठीक है? परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन के बीच में आपको एक देवराज यादव जी हैं जो अभी यहाँ बैठे हैं, कैसे लोग हैं ये? बढ़िया आदमी है, इसको जिताना चाहिए लोगों को, तो आपका आशीर्वाद है। चलिए, आपका सुना है? मेरा नाम नित्यानंद यादव है। बागमारा। क्या कहना है सर, बागमारा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है 5 साल में? 5 साल में कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं। दलदल योजना कुछ नहीं, इसके लिए ललाहित लोग हैं, एक ही जगह सामुदायिक चीज में पानी निकलते हैं, उसी जगह से सारा लोग वहाँ लेकर लेने के लिए जाते हैं, उसके लिए जल नल हर हर घर में है, लेकिन वहाँ तक पानी नहीं पहुँचते हैं, उसके लिए भी आदमी ललाहित पड़ रहे हैं कि जहाँ सामुदायिक रूप से पानी गिरते हैं वहीं सब लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। ये जर्जर स्थिति है यहाँ। जी जी। तो ये स्थिति कैसे सुधरेगा कुछ? ये कैसे सुधरेगा जब तक हमारे गांव में अगर देवराज सर हैं, अगर ये लोग अगर आ जाते हैं, शिक्षित आदमी है, हम लोग का गांव का मुख आदमी है, ये लोग ऐसे नेता कैटेगरी के 2-3 बार जिला परिषद का भी लोग जिला परिषद में खड़े थे, उसके बाद अगला बार सेकंड पोजीशन में मुखिया का भी था, अगले बार भी ये बार भी मुखिया में कैंडिडेट हो रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है सर आपको? इस बार में भी हम लोग को तहे दिल से लग रहा है कि ये निकलने की इसकी चांस है, निकलने का चांस। जी क्या भैया क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोल रहे हैं यही कि जितना भी मुखिया खड़ा हुआ है, हाँ, सबसे ज़्यादा यही शिक्षित है, टीचर भी है और व्यवहारिक, यानी जितना उम्मीदवार खड़ा है सबसे सबसे अच्छा है, MSc मैथमेटिक्स। हाँ, तो इसका गणित ठीक ठाक लग रहा है? सब कुछ है इसका ठीक ठाक। अगले बार गणित इनका फेल कर गया था? फेल तो कर गया, लेकिन जो है तो क्या कीजिए, लेकिन हिंदू मध्य में फर्स्ट है। तो इस बार भी लगता है आपको फर्स्ट रहे? काम करेंगे? काम तो नए भी है तो काम करता है, जब होगा तो और काम नहीं करेगा, यानी मुखिया नहीं भी है तो काम करते हैं, तो मुखिया बने तो आप कर। चलिए भैया आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। कहाँ घर हो? कितना उम्र हो? 60। वृद्धा पेंशन नहीं मिले? इंदिरावास मिलो छो? एकदम मिलो छ। आरो चाहिए? एक दो मिले? यानी ना खुश छो तोरा मुखिया? बढ़िया नहीं छो ओकरा मतलब? परिवर्तन चाहिए छो, मुखिया बदले चाहिए छो? केकरा बनेबो मुखिया? बनेबे जे मुखिया गमर छिके, गमर के देवराज? हां गमर तारो मुखिया छै कत्तन जे, तो बनेबो केकरा? बनेबे देवराजो के। देवराज के बनेबो मुखिया? हां बनेबे रे तबा। से की बात छै, कहां दाढ़ियो ताड़ी ने बनेला छै? नै बने करबो बेटा भतीजा के हमरो चला फिर अभी नहीं पड़े थे। बाप इसी नहीं मिली रहा था मैं नहीं करता। नहीं मिले लग चाहे। तो देवराज आवे छो, गांव घर आवे छो? आवे छो। बेटा आज कितने जेते हैं? बेटा आवे जेते हैं कम होगा। काम करता हूँ मुखिया बने हुआ थकड़ो। हाँ काम बनते हैं, काम करी जो आशीर्वाद दे रहे हो। हाँ जब है किसी भगवान करती गुरु भाग।
जीतने का आप लोग शुभकामना करते हैं। इनको पूछिए क्या बिंद्रा बात मिल रहा है आपको, आपका बोलो बोलो नाम बता दो। इंद्रावास नहीं मिल रहा सुन, कहाँ घर से अपना? मिट्टी का घर है क्या? पन्नी तान के रहता है। इंद्रावास नहीं मिला है यानी बागमारा में, इसका मतलब है इंद्रावास नहीं मिला है। अगर आपको कोई सुख सुविधा नहीं मिला है तो पंचायत में जो अभी चुनाव चल रहा है तो मुखिया आप लोग बदलिएगा कि जो पहले से था वही ठीक है? बदल रहे, किकरा बने वो मुखिया? देवराज सर को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तमाम और देश दुनिया के जितने भी अभी दर्शकगण हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, एक ही नाम अभी हमें सुनने में आया है, देवराज सर, जो ये पैसे से शिक्षक हैं। और लोगों का कहना है कि अगर मुखिया नहीं है तो ये आते हैं, हम लोगों का काम सुनता है, अगर मुखिया बनेगा तो काम इनको करना पड़ेगा। तो हम अभी थे बागमारा में वार्ड नंबर एक में, फिर हम अगले चौपाल में अगले जगह मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।